तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में बैठकर अपने पेटीएम अकाउंट को फुल केवाईसी में अपग्रेड कर पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने पेटीएम अकाउंट को फुल केवाईसी में अपग्रेड कर पाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना होगा, वो भी बिना स्किप करे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करा जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दे, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पेटीएम अकाउंट को फुल केवाईसी करने के लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना होगा और अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना पेटीएम अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, पेटीएम का जब से ये नया अपडेट आया है तब से कई लोगों को पेटीएम का फुल केवाईसी वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको कहीं पर भी पेटीएम का फुल केवाईसी वाला फीचर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अगर आप उसे ऊपर भी करते हैं पेज को तो आपको नीचे वाले साइड में भी कहीं पर भी फुल केवाईसी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो अपने पेटीएम अकाउंट को फुल केवाईसी कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। अपने प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ऊपर साइड में आपका नाम दिख रहा होगा, आपने अपने नाम पर टैप करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पर टैप कर लेता हूँ। नाम पर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे नीचे आपको एक्टिव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड में अपग्रेड का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो आपको अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और नीचे साइड में आप देख सकते हैं आपकी जो लिमिट होगी 10,000 ही लिमिट होगी मिनी केवाईसी की। तो अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर आपको अकाउंट स्टेटस समरी दिखाया गया होगा आपके पेटीएम अकाउंट के बारे में। और दोस्तों, नीचे वाली साइड में अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इस सारे फीचर्स को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नीचे साइड में अपग्रेड योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर टैप करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पर टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहां पर आप तीन प्रकार से अपने पेटीएम अकाउंट को फुल केवाईसी में अपग्रेड कर सकते हैं। पहला, आप वीडियो केवाईसी की मदद से, दूसरा, आप किसी स्टोर में जाकर अपने पेटीएम केवाईसी करा सकते हैं, और अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें पेटीएम कंपनी की ओर से एक एजेंट आएगा आपके घर पर, जो आपके पेटीएम अकाउंट को फुल केवाईसी में अपग्रेड करके चला जाएगा। इसमें आपको 150 रुपये चार्जेस लगेंगे। इसको करने के लिए आपको इस पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका नाम, आपका हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नेम, एरिया, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी और स्टेट, और नीचे साइड में आपको अल्टरनेट एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको नीचे साइड में प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखेगा, आपने इस पर टैप कर लेना है। और उसके बाद पेटीएम का कोई एजेंट आएगा, वो आपका केवाईसी करके चला जाएगा। और अगर आप किसी स्टोर में विजिट करके अपना पेटीएम केवाईसी कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा। तो उस पर टैप करने के बाद अब आपको नियर बाय में जितने भी केवाईसी पॉइंट्स होंगे पेटीएम के, वो सारे यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। अब आपके घर के नज़दीक जितने भी केवाईसी पॉइंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। अब आपको अपने घर के नज़दीक वाले केवाईसी पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है, आप उसका डायरेक्शन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको वीडियो केवाईसी के बारे में बता देते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारा आपको नीचे साइड में बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेके बैठना होगा, और आपको एक पेज और पैन लेके बैठना होगा सिग्नेचर के लिए, और आपको फिर वीडियो कॉल करना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वीडियो कॉल करने से पहले तैयार रखना होगा। सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेने के बाद आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और नीचे साइड में आपको आधार नंबर पर जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अब आपको एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने किसी और पेटीएम अकाउंट में फुल केवाईसी कर रखा है, तो दोस्तों वो मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, आपको सिंपल से अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कॉल पेटीएम कस्टमर के पास लगा दिया जाएगा, फिर वो आपको बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको दिखाना है उन्हें। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट दिखाते हैं उन्हें तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, और कुछ घंटों के बाद आपका जो पेटीएम केवाईसी होगा वो फुल केवाईसी में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से अब आप भी अपने घर में बैठकर अपने पेटीएम अकाउंट को फुल केवाईसी में अपग्रेड कर पाएंगे।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।